सालों से काम चलता हुआ रहा है। इन्होंने जो ना वो अपनी क्वालिटी को जो ना वो बरकरार रखा हुआ है, क्वालिटी पर जो ना वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। भाईजान तो ये है मटियारी की मशहूर आइसक्रीम। भाईजान कौन सा फ्लेवर है हमारे पास? सर पिस्ता, बादाम, टूटी फ्रूटी, पाइन। भाई कौन सी खानी है? सबसे ज्यादा कौन सा फ्लेवर चलता है? पिस्ता। आगा साहब ने जो कहा हम वो खाएंगे आज, क्योंकि ये यहाँ का पुराना है, इसको पता होगा। दो फालूदा लगा देना, एक पिस्ता। ठीक है यार, आपने बड़ी तारीफ की इनके साथ, और हम फिर बताते हैं कैसा लगा। आने के बाद आपको बताएंगे ज़रूर कि ये जो मशहूर आइसक्रीम है कैसी रही। लेकिन आइसक्रीम खाने से पहले ज़रा आगा साहब से पूछते हैं कि इन्होंने पिस्ता से फालूदा पर जंप क्यों किया? सर क्या राज है? असल में मसला ये है कि मैं अक्सर बेशतर जो है वो यहाँ खाता रहता हूँ, और बहुत दिन हो गए जो है वो फालूदा नहीं खाया। ये चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। आगा साहब को पता था कि ये पिस्ता में से ज़रूर खाएगा, लेकिन आगा साहब को ये नहीं पता कि मेरी आइसक्रीम हाथ नहीं डालेगा। मैं तो खाऊंगा। मीठे में हम तुझसे जीत ही नहीं सकते डॉक्टर काशिफ, हम तुझसे जीत ही नहीं सकते। वापसी में करेंगे, बजट कम है अभी, हम तो क्या करोगे? पैसे खुट गए ना तो वापसी में अपन जाना पड़ेगा। पैसे नहीं खुटने वाले, पैसा बहुत लग रहा है। ज़्यादा खास इसको रास्ते में कुछ होगा, शुगर बढ़ गई, कोई और मसला होगा, ये भी तो मसला मिल गया। मैंने आप लोगों को बड़ा कमाल हैंड भी दिया था कि हरे रंग की टोपी और हरे रंग की चीज़, यहाँ की मशहूर है पिस्ता आइसक्रीम, और वो पिस्ता आइसक्रीम बिल्कुल ऐसा हरा रंग है। वाह 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 वाह। बस वो इस आइसक्रीम को दूसरी आइसक्रीमों से काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, ऐसी क्या चीज़ है? ये बड़ी सॉफ्ट है, इसमें ना एक अजीब से गुलाब के फूल की खुशबू आती है, मतलब मुंह में जाती घुल जाती है। मेरे ख्याल से सारी आइसक्रीम ऐसी होती है, मुंह में जाने का घुल जाती है। दूसरी आइसक्रीम को चबाना पड़ता है, इसकी बात अलग है। छक्के मारने, अट्ठे मारने, बल्कि मीठे के वक्त ना बाकी। भाई अब आता है ये वाला काम, फालूदे वाला। लेट्स सी के फालूदा कैसे। इसके अंदर भी पिस्ता आइसक्रीम है, और साथ में आई थिंक सो बादाम, पिस्ते बहुत सारे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत आला, बहुत आला। तो मज़े की बात, हम लोग हैदराबाद के रहने वाले, तो हमारे पास बचपन से इस आइसक्रीम के वो कैंस आते थे, हम लोग लेके यहाँ से जाते थे, और वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन चलती थी। लेकिन मटियारी आइसक्रीम बहुत फेमस है, बहुत आला यार। ट्राई करते थे, मेरे पास है ये पिस्ता, मज़ा नहीं ले रही वैसे। प्योर पिस्ता डॉक्टर साहब के। वाह लाजवाब, बहुत कमाल की सॉफ्ट है। आइसक्रीम दूसरी भी सॉफ्ट होती है, लेकिन इसका अपना ही मज़ा है। आगा साहब, आगे राज क्या है इसका? खास जो बात है, दूध इनका जो ना वो प्योर होता है, उसी दूध को जो ना वो बहुत ज़्यादा बॉयल करके, जैसे मावा बनाता है ना, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे जो ना वो ओरिजिनल हैं। सालों से काम चलता हुआ रहा है, इन्होंने जो ना वो अपनी क्वालिटी को जो ना वो बरकरार रखा हुआ है, क्वालिटी पर जो ना वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसी का जो है ना वो यही राज है कि यहाँ से जितने भी जो ना वो गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ स्पेशली जो है ना वो हैदराबाद से और हाला से और मुख्तलिफ शहरों से लोग ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, फैमिलीज़ के लिए ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पर लोग जो है वो इन्जॉय करते हैं। इवन सर्दियों में भी, दिसंबर और जनवरी के महीने में भी लोग आइसक्रीम को जो है वो इन्जॉय करते हैं। भाई डॉक्टर साहब जो है वो अपने रम्स में आ चुके हैं, और एक पिस्ता आइसक्रीम गिरच कर चुके हैं, और पिस्ता आइसक्रीम ठीक ठाक थी। और अब आता है फ्लेवर नंबर टू। इसके बाद नंबर थ्री फ्लेवर ही है, अब देखेंगे फ्लेवर टू कंप्लीट करें उसके बाद देखेंगे। ये आ गया जी फ्लेवर नंबर टू। कौन सा फ्लेवर है? सही है बादाम। मैंने डॉक्टर साहब से इम्प्रेस होकर ना थोड़ा सा उसको रिफिल करवाया, क्या है कि वो बातें करते करते मेरी आइसक्रीम बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, तो वापस से आते आइसक्रीम खाएंगे, बस अब बातें नहीं करेंगे। बेहतरीन थी, बादाम बस ठीक है, मतलब इसकी दो प्यालियाँ खा सकता हूँ मैं, और 16-17 खा बातों में लगाओ, मैं यहाँ से चम्मच
चम्मच कोई बात नहीं, तीसरी आ जाएगी। अरे अभी भी मतलब आएगा। अरे भाई ब्लॉग्स भी करने आगे चलना है यार, वापसी भी करेंगे, वापसी में फिर तो खिला देंगे यार। तो भाई अभी बहुत लेट हो चुका है, तकरीबन 3 बज चुके हैं हमें यहीं पर ही। आइसक्रीम खाया, खाना खाया, सुबह को निकलते हुए भी लेट हुआ। सुबह को लेट करने वाला ये बंदा था क्योंकि इस बेचारे को ड्यूटी से आना था। उसके बाद इस बेचारे ने हमारे लिए कुर्बानी दी आज, बहुत बड़ी कुर्बानी, बता नहीं सकते वो, क्योंकि अगर बताएगा तो रास फट जाएगा। भाई बात सुन, ये अभी इस बाबा को हमने खैरात दी ना जितनी, इतने में ये दुआ का भी सिर्फ बोलेगा अल्लाह बस। इससे आगे दुआ भी नहीं निकलेगी इसके मुंह से। जब इसको तूने खैरात दी ना, उसने बोले उसने खाली ऐसे ही बोला अल्लाह अल्लाह। ये दुआ थी, बद्दुआ थी, ये गंदी नजरों से देखना था उसका। बिस्मिल्लाह। भाई अभी हम पहुंचे हैं जो कि मटियारी में ही है।